हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर फोर पार्ट्स एंड होल्स में आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था फ्रैक्शन्स क्या होते हैं किस तरह से हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं आज हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं कि, किस किस फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन यूनिट मीन्स वन तो वन मीन्स वन फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ जैसे कि अ फ्रैक्शन विच हैज वन एज द न्यूमरेटर इज अ यूनिट फ्रैक्शन जिसमें कि अ फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर वन लिखा होता है उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं थ्री वन अपॉन सेवन वन अपॉन थर्टीन इस तरह से अगर आपका न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन में बन है तो उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन नाउ नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन जैसा कि नाम में आपको समझ आ रहा है लाइक मीन सेम फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन एग्जाम्पल वन बाई फोर थ्री बाई फोर यहां पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है फोर एंड फोर सो दे आर लाइक फ्रैक्शन थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव इट मीन यहां पर हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम कहेंगे दीज आर लाइक फ्रैक्शंस नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक मीन्स सेम नहीं होंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे सो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां देख रहे हैं हम एट थ्री सेवन आर डिनोमिनेटर्स अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस है छोटा है देन द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर तो आप उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं टू बाई एट टू बाई एट में टू, टू इज द न्यूमरेटर एट इज़ द डिनोमिनेटर एंड टू इज लेस देन एट न्यूमरेटर यहाँ पे कम है छोटा है डिनोमिनेटर से तो जब भी हमारा फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है बड़ा होता है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल वन बाई फाइव ले सकते हैं हम टू बाई थ्री ले सकते हैं हम एट बाई नाइन ले सकते हैं इन सभी में न्यूमरेटर्स स्मॉल हैं और डिनोमिनेटर बिग है बड़ा नंबर है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा बड़ा होगा या बराबर होगा उसे हम कहेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहां पे एग्जाम्पल फाइव अपॉन टू मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर एंड हियर फोर अपॉन फोर मीन्स डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर के बिल्कुल बराबर है न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर देर फोर इट इज इमप्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट इज मिक्सड फ्रैक्शंस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्सड नंबर इज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जैसा कि नाम है यहाँ पे मिक्स्ड यानी कि दोनों ही तरह के फ्रैक्शन एक तो हमारा उसमें नंबर होना चाहिए होल नंबर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है कंप्लीट नंबर जैसा कि वन टू थ्री फोर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं मिक्स फ्रैक्शन ये लिखने में कैसा होगा दिखने में कैसा दिखाई देगा ये इस तरह का फ्रैक्शन दिखाई देगा जिसमें कि एक नंबर होना चाहिए जो हमारा एक नंबर नेचुरल नंबर या एक होल नंबर होना चाहिए जैसे कि और दूसरा फ्रैक्शन होना चाहिए वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं टू वन बाई टू यहाँ पर हम टू अपॉन टू वन अपॉन टू को हम क्या लिखेंगे वन प्लस वन प्लस वन बाई टू इस टू को हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस वन और इस हाफ को हम लिख रहे हैं यहाँ पर वन बाई टू सो दिस इज अ मिक्स्ड नंबर और फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो फिगर कैसा बनेगा आपके पास दो सर्कल्स हैं दोनों को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक तीसरा सर्कल भी है उसको भी हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इसमें हमारे फोर पार्ट्स को शेड कर दिया गया है हमने येलो कलर से शेड कर दिया है इसमें भी पूरे फोर पार्ट शेड हो गए इट मीन्स दिस इज वन मीन्स कंप्लीट वन एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीट शेड कम्प्लीटली शेडेड सो यहाँ पे हो गया आपका टू और वन बाई टू मीन्स इस सर्कल में से हमने हाफ पार्ट को येलो शेड दिया है तो इट मीन्स ये हो गया आपका हाफ पार्ट टू में से वन पार्ट शेड है टू पार्ट्स हैं और टू पार्ट्स में से हमारा हाफ पार्ट यहाँ पे शेडेड है सो वी हैव टू राइट वन बाई टू सो वन प्लस वन इज टू एंड वन बाई टू सो टू वन बाई टू इज़ अ मिक्स नंबर और फ्रैक्शन नेक्स्ट इज इक्वलेंट फ्रैक्शंस सो नाम में जैसा दिखाई दे रहा है आपको इक्वलेंट मीन्स इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस को हम इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं इक्वल कैसे होंगे इक्वल फ्रैक्शन शो द शो द सेम पार्ट ऑफ द होल एक होल कंप्लीट जो पिक्चर होगी फिगर होगा उसका एक पार्ट शो करेगा कैसे जैसे कि हम यहाँ एक रेक्टेंगल देख रहे हैं रेक्टेंगल में हमने इसके टू पार्ट्स कर दिए वन पार्ट इज़ ब्लू एंड वन पार्ट इज़ वाइट सो फॉर द ब्लू पार्ट वी राइट वन बाई टू बिकॉज वन पार्ट इज शेडेड एक पार्ट ब्लू कलर का शेड है टू पार्ट्स में से दैट्स वाई वी हैव रिटन वन बाई टू लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरे फिगर में वही सेम रेक्टेंगल है जिसको कि हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया उसके बाद फिर टू पार्ट्स में कर दिया मीन्स फोर पार्ट्स हो गए फोर पार्ट्स होने के बाद हमने दोनों ही पार्ट को ब्लू शेड कर दिया है और ये दो पार्ट हमारे वाइट हैं अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरा जो हमने दो पार्ट शेड किए थे ब्लू वो पूरा आपका हाफ़ पार्ट शो हो रहा है जैसा कि यहाँ पर है तो ये पूरा जो आपको हाफ पार्ट यहाँ शेड दिखाई दे रहा था वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है सेम रेक्टेंगल का जबकि यहाँ पर हमने टू पार्ट्स इसके ब्लू शेड किए हैं इट मीन्स की वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई फोर ये दोनों ही पार्ट हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं सो दीज आर इक्वल फ्रैक्शन और इक्वलेंट फ्रैक्शन नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में आप यहां देख रहे हैं एक रेक्टेंगल की स्ट्रिप है उसमें पार्ट किए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स पार्ट्स आर गिवन फोर फाइव एंड सिक्स जिसमें कि टू पार्ट्स को शेड किया गया है नेक्स्ट ट्रिप में भी आपके सिक्स पार्ट्स हैं जिसमें कि थ्री पार्ट्स शेड किए गए हैं यहाँ पर टू पार्ट शेड किए गए हैं तो हमने लिखा टू बाई सिक्स यहाँ पर थ्री पार्ट्स शेड किए गए हैं आउट ऑफ सिक्स सो वी है थ्री बाई सिक्स ये हो गया हमारा टू बाई सिक्स और थ्री बाई सिक्स अगर हम इन दोनों बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शन ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स आर लेस देन द डिनोमिनेटर्स यदि हम इनको ऐड करते हैं दोनों ही फ्रैक्शन को मीन्स तो टू बाई सिक्स एंड थ्री बाई सिक्स को ऐड करते हैं सिक्स और सिक्स यहाँ पर दोनों का लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है हम यहाँ पर सिक्स लिखेंगे दो सिक्स में से एक ही सिक्स लिखना है हमें और इनको हम प्लस कर देंगे टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री इज फाइव सो हम लिखेंगे फाइव बाई सिक्स बट फाइव इज लेस देन सिक्स देयरफॉर फाइव बाई सिक्स इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी आप प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे देन यू विल गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन रिमेंबर वेन एवर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज अ

पूरे शेड हैं दूसरे स्ट्रिप को भी फोर पार्ट्स में शेड किया गया फोर पार्ट्स में किया गया है जिसमें कि वन पार्ट को शेड किया गया है अगर हम दोनों ही को मिला देते हैं प्लस कर देते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो फोर बाई फोर इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम फोर बाई फोर प्लस ये वाली स्ट्रिप का शेड भी हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर क्योंकि फोर में से हमने वन को शेड किया गया है तो ये वन बाई फोर है तो फोर बाई फोर प्लस वन बाई फोर मींस क्या होगा यहां पर क्योंकि एक इम्प्रॉपर भी दिखाई दे रहा है आपको और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे फोर और फोर मीन्स आपको एक ही फोर लिखना है और फोर प्लस वन दैट इज फाइव ये फाइव हो गया सो फाइव इज ग्रेटर देन फोर मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो हम उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिमेंबर वेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसे हम इम्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें आप सोल्व करके देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख बता सकते हैं कि वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं जिसमें कि न्यूमरेटर हमारे लेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वन बाई टू सेवन बाई नाइन एंड थ्री बाई थर्टीन सभी में न्यूमरेटर लेस हैं डिनोमिनेटर से सो दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस बिकॉज न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर ना इनप्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ आप देख रहे हैं एट बाई थ्री इलेवन बाई फोर एंड नाइन बाई सेवन इन सभी में न्यूमरेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमेटर दैट्स वाई दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाउ नेक्स्ट इज चेंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू अंबर मिक्सड नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं मीन्स वाइस वर्सा हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं नाउ कन्वर्ट नाइन अपॉन टू मीन्स नाइन अपॉन टू इज़ अ इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसे हमें देख लेना है मिक्स नंबर बनाने के लिए दैट विल बी इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला है आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्यू आर डी क्यू फॉर क्वेश्चन आर फॉर रिमाइंडर एंड डी फॉर डिवाइजर अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे सपोज हमें नाइन अपॉन टू का मिक्स फ्रैक्शन बनाना है ये हमें क्वेश्चन दिया था नाइन अपॉन टू को मिक्स नंबर में चेंज करना है सो so, आपको डिवीजन साइन में डिवीजन साइन में नाइन को अंदर रखना होगा मीन्स जो आपका न्यूमरेटर होता है वो बनेगा डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है उसे बनाएंगे हम डिवाइजर देन टू फोर जा एट उसे करेंगे हम डिवाइड माइनस उसके बाद माइनस कर दिया हमने वन आ गया अब इसमें वन हो गया हमारा रिमाइंडर ये तो हो गया रिमाइंडर ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा डिवाइजर अब इसकी वैल्यूज़ को हमें डाल देना है क्वेश्चन क्वेश्चन मीन्स फोर उसके बाद रिमेंडर रिमेंडर है हमारा वन उसके बाद हमारा डिवाइजर इज टू सब लिख लिया हमने और प्लस अगर नहीं भी लगाते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर वन अपॉन टू दैट इज़ फोर वन बाई टू दिस इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन आप यहाँ देख रहे हैं एक यहाँ पे नंबर भी दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीट नंबर और उसके बाद फ्रैक्शन भी है तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन इट मीन्स आपने इम प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज कर दिया सो द फॉर्मूला इज क्यू आर डी आपको जस्ट डिवाइड कर देना है डिवाइड करके क्वेश्चन रिमेंडर और डिवाइजर की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है फार्मूले में एंड इट विल चेंजड इन टू अ मिक्सड नंबर नेक्स्ट एक्सप्रेस एज मिक्सड फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे जैसा कि आपने अभी देखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप चेंज कर रहे थे मिक्स्ड में उसके और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनको आप देख सकते हैं नाइन अपॉन एट है यहाँ देखिए नाइन को हमने बनाया डिविडेंट एट को डिवाइजर क्योंकि एट हमारा है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को हमें बाहर लिखना है और जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखना है एट वन एट वन इज रिमेंडर यहाँ पे तो हमें फॉर्मूला लगाना है वही सेम क्यू आर डी क्यू फॉर क्वेश्चन क्वेश्चन में वन देन रिमेंडर रिमेंडर इज वन एंड डिवाइजर इज एट सो वन वन बाई एट यहाँ पर आप देख रहे हो नेक्स्ट यहाँ पर वापस से इसको 35 को डिवाइड करना है इलेवन से हम हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं इसीलिए न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे साइन के डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 35 को 11 से 11 थ्रीजा थर्टी और 2 इज़ रिमेंडर इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज़ रिमेनिंग पार्ट जो है रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो गया है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ़ क्यू आर डी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे थ्री रिमाइंडर इज टू एंड इलेवन इज डिवाइजर तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया थ्री टू वन क्यू आर डी की जगह हमने वैल्यूज़ रख दी हैं ना इट इज़ थ्री टू बाई इलेवन दिस इज़ मिक्सड नंबर फोर्टी वन बाई सेवन फोर्टी वन को डिवाइड करेंगे हम सेवन से सेवन फाइव ज थर्टी फाइव माइनस किया सिक्स ये आपका रिमेंडर हो गया आपको फॉर्मूले में यूज करना है क्यू आर डी सो क्यू इज फाइव देन रिमाइंडर इज सिक्स देन डिवाइजर इज सेवन सो दिस इज मिक्स्ड नंबर नाउ चेंजिंग अ मिक्स नंबर टू एन इम प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपका मिक्स नंबर में दिया है और इम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे तो मिक्स नंबर एक दिया हुआ है आपको फाइव थ्री बाई नाइन आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है उसके लिए आपको क्या करना होता है फॉर्मूला है नेचुरल नंबर यानी जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता है जो आपका डिनोमिनेटर होता है उससे सो डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नेचुरल नंबर देन ये जो आपका न्यूमरेटर है उसे प्लस कर देना होता है यहाँ पे लिखा है प्लस एंड न्यूमरेटर यानी कि डिनोमिनेटर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर लिख देंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या करना है यहाँ देखिए नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करना है या देखिए नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ये वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर को प्लस कर देना है तो ये आपका हो गया है फाइव इंटू नाइन प्लस थ्री और अपॉन नाइन ये ज़रूर लिखना है डिनोमिनेटर में सो फोर्टी फाइव प्लस थ्री अपॉन नाइन नाइन फाइजा फोर्टी फाइव हो गया प्लस थ्री नाइन इसके बाद दोनों को प्लस कर देना है फोर्टी फाइव प्लस थ्री फोर्टी एट बाई नाइन सो दिस इज एन इमप्रॉपर फ्रैक्शन हमने मिक्सड नंबर से इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया है ऐसे हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम नाउ हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स एक्सप्रेस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यहाँ पर हम करते हैं वन नाइन अपॉन इलेवन को चेंज कैसे इलेवन को करेंगे वन से मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद प्लस नाइन इलेवन मल्टीप्लाई बाई वन प्लस नाइन सो इलेवन वन सा इलेवन प्लस नाइन अपॉन इलेवन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा हर जगह इक्वल टू इलेवन प्लस नाइन दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी बाई इलेवन नाउ फोर सेवन बाई एट अगेन एट को फोर से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेवन करना है डिवाइडेड बाई एट एट फोर सा थर्टी टू प्लस सेवन डिवाइडेड बाई एट

इन दिस वे वी कैन चेंज मिक्स नंबर इन टू इन प्रॉपर फ्रैक्शंस थैंक यू स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एन टी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइल